गुड मॉर्निंग. टुडे वी स्टार्ट क्लास 8 चैप्टर 2 एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 22. रूट ऑफ द इक्वेशन -5/4x ओके इक्वल टू 15 इज आपको बताना है, रूट बताना है. ये क्या बताना आप लोगों ने? रूट. ए आपका 1/12 है, बी आपका -1/12 है, सी आपका 1/20 है, डी -1/20 है. क्लियर है? देखिए बेटा यहाँ पे -5/4x इक्वल टू 15 -5 15 × 4x 5 × 3 = 15 -1 इक्वल टू 12x एक्स की वैल्यू -1/12 एक्स की वैल्यू कितनी होगी -1/12 दैट मीन्स आवर रिक्वायर्ड आंसर इज -1/12. क्लियर? सॉल्यूशन देखते जाइएगा साथ साथ में. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 3/4x इक्वल टू 7-x तो इधर देखिए बेटा आपको ऑप्शन है a4 b3 c7/3 d7. तो देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं. यहाँ पे इसका सॉल्यूशन ले रहा है आपके पास 3/4x 7-x एक्स इस साइड आएगा प्लस एक्स इक्वल टू 7. देखिए 4 3x + 4x = 7/1 7x/4 = 7/1. क्लियर? तो देखिए एक्स की वैल्यू 4 × 7/7 एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4. एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी 4. दैट मीन्स रिक्वायर्ड आंसर इज 4. रिक्वायर्ड क्या हो गया? 4 हो गया. आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है बेटा जल्दी जल्दी करते जाइए. 3/4 part of a number is 5 more than its 2/3 part. ठीक है, आपको इसे इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. ये आपके पास बोला है 2/3x - 3/4x = 5. बी आपको बोला गया 2/3x - 5 = 3/4x. सी आपको बोला गया 3/4x = 2/3x + 5 और डी आपको बोला गया 3/4x - 5 = -2/3x. तो 3/4 part of a number किसी नंबर का 3/4 part इज 5 more than is 2/3 part. 5 more than is 2/3 part. तो देखिए 3/4 part of a number किसी नंबर का 3/4 part ठीक है इज 5 more than 5 ज्यादा है 2/3 part से 5 ज्यादा है. ध्यान रखना बेटा किसी नंबर का 3/4 part 5 ज्यादा है उसके 2/3 part से 5 ज्यादा है उसके 2/3 part से. क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट देखते हैं. साथ साथ नोट करते जाइएगा बेटा. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश है. रूट ऑफ इक्वेशन आपसे बोला गया है 2y = 5 3+y is. आपको रूट निकालना है. क्या बताना है? रूट ऑफ इक्वेशन. ठीक है, ए आपका 5 है, बी आपका 1/5 है, सी आपका -5 है, डी -1/5 है. क्लियर है बेटा? देखिए 2y अगर सॉल्व करते हैं तो 2y = 5 3 15 + 5y. तो 2y देखिए आपके पास 2y - 5y = 15 तो -3y = 15 तो 3 5 = 15 तो y की वैल्यू कितनी होगी -5. y की वैल्यू कितनी होगी बेटा आपकी -5. सी आपके पास आ गई. क्लियर है? ठीक है, अब देखिए हम इसका देखते हैं अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास 3y + 4 = 5y - 4 इस y निकालना है सर, रूट निकालना है. दैट मीन्स ऑप्शन है a 1, b है 2, c है 3,
डी है 4, ठीक है बेटा। तो देखिए 3y इधर आ जाएगा माइनस 5y इक्वल टू माइनस 4 माइनस 4, तो देखिए कितना हो जाएगा 3y माइनस y आपका माइनस 2y, 5y 3y माइनस 2y 4 माइनस 8 कैंसिल आउट, y की वैल्यू 8/2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी 4 आ गई, समझ आ गई बात है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आई होप आपको पूरा समझ आ रहा होगा, बेसिक क्वेश्चन है। 9z माइनस 15 इक्वल टू 9 माइनस 3z, ए 1 है, बी आपके पास 2, सी 3, डी 4, ओके। देखिए बेटा आपके पास 9z इधर आके 9z प्लस 3z इक्वल टू 9, 15 उस साइड जाएगा प्लस 15, 12z इक्वल टू 24, तो z की वैल्यू कितनी होगी 24/12, 12 2 24, तो z की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2, z की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी 2 आ गई, क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए पहले बेटा क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग उससे भी सॉल्व ट्राई करिए, आपको समझ आता जाएगा किस तरह से हो रहे हैं क्वेश्चन से, एग्जाम में आपके इसी तरह से क्वेश्चन आपके आएंगे, आपका पेपर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूट निकालना आप लोगों ने, क्वेश्चन है 4x/7 माइनस 12 इक्वल टू 0 इज, ए आपका 7, बी आपका 14, सी आपका 21, डी माइनस 21, तो देखिए 4x/7 माइनस 12 इक्वल टू 0, 4x/7 12 उस साइड चला गया आपका, 4x इक्वल टू 12 इंटू 7, x इक्वल टू 12 इंटू 7 अपॉन 4, 4 3 12, x की वैल्यू कितनी होगी 7 3 21, x की वैल्यू कितनी होगी आपकी 21 होगी प्लस की, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, रूट निकालना आप लोगों ने, 3x इक्वल टू 20/7 माइनस x इज, a 7/5, बी 5/7, सी 7/5, डी 5/7, क्लियर। इधर देखिए बेटा आपका 3x इक्वल टू 20/7 माइनस x, इधर आ जाएगा 3x प्लस x इक्वल टू 20/7, 4x इक्वल टू 20/7, तो देखिए x की वैल्यू कितनी होगी 20/7 इंटू 4, 4 5 20, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5/7, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5/7, कौन सा हो गया आपका डी ऑप्शन हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रूट ऑफ इक्वेशन 2y इक्वल टू 5/7 माइनस y, ठीक है, a 5, b माइनस 5, c 3, d माइनस 3, देखिए बेटा 2y है आपका सॉल्यूशन में, 5/7 = 35 माइनस 5y, क्लियर, इस साइड आ जाएगा 2y प्लस 5y इक्वल टू 35, तो कितना हो जाएगा आपका 7y इक्वल टू 35, 7 5 = 35, y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5, y की वैल्यू कितनी आ गई आपके बेटा यहाँ पर 5 आ गई, क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा करते जाइएगा, जब बोर्ड पे लिखा जा रहा है सब उसके बाद खुद से ट्राई करिए एक बार, 2x माइनस 1 x माइनस 1 x प्लस 2, a 1 है आपका, b आपका 2 है, c माइनस 1 है, d माइनस 2 है, तो देखिए सॉल्यूशन 2x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 x प्लस 2 कैंसिल आउट, तो आपका 3x इक्वल टू x, 3x माइनस x इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास अंत ऑप्शन नहीं दिया हुआ, 0 नहीं दिया हुआ आपके पास, क्लियर है, सॉरी यहाँ पे देखिए गड़बड़ हो गई, यहाँ पे एक जगह पे यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे हम लोगों ने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे माइनस वन है प्लस टू था, तो देखिए आपके पास 3x माइनस 2 इक्वल टू x प्लस 2, 3x माइनस x 2 प्लस 2, 2x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2, रिक्वायर्ड आंसर इज 2, रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया, नोट डाउन करिए।
इन क्वेश्चंस को रिवाइज करिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और अगर फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।